there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो जाने लगे आप डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में एकदम इजीली हेडशॉट कैसे मार सकते हो, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, वो भी गाइस आज की वीडियो में हम लोग हैंड कैप के साथ जानने लगे आप डेजर्ट ईगल से वन टैप कैसे मार सकते हो या हेडशॉट कैसे मार सकते हो। तो ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना, ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और उसी के साथ गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्द जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइस हम लोग हैंड कैम में जाने कि आप डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज और मिडल रेंज में वन टैप कैसे दे सकते हो, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपको क्या सेटिंग रखना चाहिए जिससे आप डेजर्ट ईगल से किसी भी बंदे को एकदम इजीली हेडशॉट या वन शॉट मार पाओ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जान लेते हैं आपको सेटिंग में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। तो सेटिंग में सबसे पहले सेंसिटिविटी सेटिंग की बात करते हैं, और सेंसिटिविटी सेटिंग में सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेजर्ट ईगल से वन टैप देना है तो, वो है आपका जनरल। ठीक है, तो जनरल को पूरा 100 करके रखो। अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो, हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो आप 90 भी कर सकते हो। अगर आप ज्यादा हाई एंड डिवाइस में खेलते हो, 8GB 6GB RAM में खेलते हो, बट अगर आप 3GB 4GB 2GB RAM में खेलते हो तो 100 करके ही रखना है। इससे गाइस आपको हेडशॉट या वन शॉट मारने में बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होगा। जितना ड्रैग चाहिए वन शॉट या हेडशॉट मारने के लिए उतना आपको ड्रैग मिलेगा। अभी बात करते हैं इसकी, आपको अपने कस्टम एचयूडी में कुछ चेंजेस करना है कि नहीं करना। तो गाइस अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो कुछ मत चेंज करना, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जो चाहे वो रख सकते हो। बट अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो बस आपका जो ड्रैग वाला बटन है उसको साइज छोटा करके नीचे कर देना जिससे जितना ड्रैग चाहिए उतना मिले। अभी बात करते हैं कि आप डेजर्ट ईगल से हेडशॉट या वन शॉट कैसे मार सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रेंज की बात करेंगे। अगर किसी भी बंदे को अगर आपको शॉर्ट रेंज में वन टैप देना है डेजर्ट ईगल से तो कैसे दे सकते हो, या हेडशॉट देना किसी भी बंदे को तो कैसे दे सकते हो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हैंड कैम की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे आप बैकग्राउंड में देख रहे हो एनिमीज जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में, ठीक है, देख सकते हो एनिमीज जो है बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंज में। तो गाइस आपको जो सबसे पहली बात ध्यान में रखनी, ठीक है, वो है आप कि ना जंप करके भी वन टैप मार सकते हो। मतलब बहुत सारे बंदे लोगों को लगता रहेगा कि एक जगह पे खड़े होकर वन टैप लगता है डेजर्ट ईगल का, बट ऐसा नहीं। अगर आप शॉर्ट रेंज में चाहो तो जंप करके भी हेडशॉट मार सकते हो, या आप एक जगह पे खड़े होकर भी मार सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो वैसे करके आप हेडशॉट मार सकते हो शॉर्ट रेंज में। अभी दूसरी चीज बात करते हैं, वो है एम। एम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को हेडशॉट देना है तो एम आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर डेजर्ट ईगल से कभी भी शॉर्ट रेंज में वन टैप देना है तो देख सकते हो मेरा करेक्ट, देखो वैसे एनिमीज का ऊपर एम है, ठीक है, एनिमीज के ऊपर किधर देखो, एनिमीज की चेस्ट के ऊपर मेरा एम है। तो आपका भी जो एम है जब आप ड्रैग करने जाते हो तो आपका एम कम से कम एनिमीज की चेस्ट के ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो मिडल बॉडी, आपका जो एम है एनिमीज के चेस्ट से लेके मिडल बॉडी में रहना चाहिए अगर आपको शॉर्ट रेंज में डेजर्ट ईगल से वन टैप देना है तो। अभी मेरा जो एम एनिमीज के चेस्ट के और मिडल बॉडी के बीच में, ठीक है गाइस, तो अभी मैं इधर स्ट्रेट ड्रैग करना, ठीक है, मतलब इधर आपको कोई भी रोटेशन ड्रैग अप्लाई नहीं करना, आपको इधर नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग अप्लाई करना। अगर आपको डेजर्ट ईगल से शॉर्ट रेंज में वन टैप देना है तो नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग करो, और कितना ड्रैग करना अगर आपको शॉर्ट रेंज में वन टैप देना है तो बहुत ज्यादा जोर से ड्रैग करो, ठीक है। अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो ना तो मैं बोलूंगा फुल स्क्रीन ड्रैग करो, ऊपर तक ड्रैग करो, हाफ स्क्रीन से भी ज्यादा ड्रैग करो, मीन्स ऊपर हाफ स्क्रीन से थोड़ा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ड्रैग करना है आपको। अगर आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो, बहुत ज्यादा हाई एंड डिवाइस 6GB 8GB RAM में खेलते हो तो हाफ स्क्रीन से थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग करना है, और आपका जो हेडशॉट बहुत ज्यादा इजीली लग जाएगा। उसके बाद आपको गन स्विच कर लेना या सेटअप ग्लो लगाना, जो आपका मूवमेंट वो कर सकते हो। अभी बात करते हैं अगर आपको कभी भी डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज में वन टैप देना तो कैसे दे सकते हो। तो गाइस डेजर्ट ईगल से कभी भी लॉन्ग रेंज में हेडशॉट या वन शॉट मारना बहुत ज्यादा इजी है। बस सिंपल सा चीज आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला आपका जो पैर है, आप देख सकते हो गाइस एनिमीज जो है बहुत ज्यादा दूर में, हैंड कैम में आप जैसे देख सकते हो एनिमीज जो बहुत ज्यादा दूर है, और मेरा जो पैर है, ठीक है, आपका जो करेक्टर का पैर है वो जमीन पर टच रहना चाहिए, ठीक है। इसमें जंप करके आप वन टैप नहीं मार सकते हो, आपका जो करेक्टर है उसका पैर जमीन पर टच रहना चाहिए, और आपका जो एम है एनिमीज के बॉडी के ऊपर किधर भी रख सकते हो, मीन्स आपका एम एनिमीज के मतलब चेस्ट पे रख सकते हो, पैर पे रख सकते हो, जिधर चाहो उधर रख सकते हो, ठीक है, बस एनिमीज के बॉडी के ऊपर रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा आजू बाजू में भी है तो चलेगा, बट ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए आपका एम एनिमीज,
से बॉडी से थोड़ा सा रहा तो चलेगा। अभी बात करते हैं कि आपको ड्रैग कितना करना है, ठीक है। तो आपको कभी भी लॉन्ग रेंज में किसी भी बंदे को वन टैप देना है, ठीक है, डेजर्ट ईगल से वन टैप या हेडशॉट देना है। आप हाई एंड डिवाइस में खेलते हो, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई एंड डिवाइस में खेलते हो तो हाफ स्क्रीन ड्रैग करना है। अगर लो एंड डिवाइस में खेलते हो तो हाफ स्क्रीन ड्रैग करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लो एंड डिवाइस में खेलते हो, 2GB रैम में खेलते हो, ठीक है, तो हाफ स्क्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हो। अगर 3GB 4GB रैम में खेलते हो तो हाफ स्क्रीन करना है, हाफ स्क्रीन ही ड्रैग करना है। आपका जो हेडशॉट है बहुत ज़्यादा इजीली लग जाएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। अभी बात करते हैं अगर आपको कभी भी मिडिल रेंज में अगर आपको डेजर्ट ईगल से वन टैप मारना या हेडशॉट मारना तो कैसे मार सकते हो, तो गाइस बहुत ज़्यादा इजी है। आपका जो पैर है, आपका जो करेक्टर है, उसका पैर जमीन पे टच रखना है। और सबसे पहली बात तो आपको स्ट्रेट ड्रैग करना है और हाफ स्क्रीन से थोड़ा सा ज़्यादा करना है अगर आप लो एंड डिवाइस हाई डिवाइस किसी में भी खेलते हो तो आपका जो हेडशॉट है बहुत ज़्यादा इजीली लग जाएगा। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जल्द से आकर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो जल्द से आकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल के ऊपर सेट कर देना। और गाइस इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।